नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने टेलीविजन की सेटिंग्स हम किस तरह से ऐसी रखें कि जिससे कि एक बहुत ही अच्छी आवाज हमें सुनाई दे। तो मैं पहले तो ये बात करता हूं कि आजकल टेलीविजन में इतनी अच्छी आवाज क्यों नहीं आती कि हमको एक एक्स्ट्रा साउंड बार लेने की जरूरत पड़ जाती है। एक्चुअली होता क्या था कि पहले के टाइम में जो CRT TVs आते थे, जिनकी डेप्थ काफी ज्यादा होती थी, तो उनमें क्या होता था कि उसमें अच्छा खासा जगह होता था कि जिसमें कि हम फ्रंट फायरिंग स्पीकर लगा सकें। तो उसमें वो फ्रंट फायरिंग स्पीकर लगे होते थे और कुछ टीवीज में तो पीछे सबवूफर भी लगे होते थे, जिससे कि बेस भी बहुत अच्छा आता था। तो वो इसलिए क्योंकि वो डेप्थ बहुत ज़्यादा होती थी, और डेप्थ ज़्यादा होती थी तो साउंड को पीछे, जो स्पीकर के पीछे से जो साउंड निकलती उसको एक अच्छा सा रूम मिल जाता था जहाँ पर कि वो बेहतरीन साउंड हमको सुनाई पड़ती थी। तो उस जमाने की बात तो अब ख़त्म हो गई क्योंकि CRT TV ख़त्म हो गए। अब CRT TV ख़त्म हुए तो कैसे कि वो पिचक गए और बन गए LCD TV, मतलब टेक्निकली पिचके नहीं, बेसिकली कि फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें कि जो LCD TV है वो आ गए। LCD TV में क्या हुआ कि पीछे एक लाइट दे दी गई और आगे एक स्क्रीन लगा दी गई। तो वो जो लाइट दे दी गई, वो जो लाइट थी वो लगभग 2 से 3 इंच की टीवी की डेप्थ होती थी उस वक्त। तो उस टाइम पर ऑडियो जो थे वो नीचे की तरफ स्पीकर लगा दिए जाते थे टेलीविज़न के, जो LCD आते थे। अभी भी उस तरीके के टेलीविज़न मिलते हैं, लेकिन अब उसके बाद और नई टेक्नोलॉजी आ गई, LED आ गया। LED में क्या हुआ कि जो वो बल्ब थे जो बड़े बड़े लगते थे टीवी के पीछे, उनकी जगह पर अभी छोटी छोटी LEDs लगने लग गई। तो उस वजह से टीवी और भी पतले हो गए। तो अब भैया स्पीकर को और ऐसे कैसे लगाएंगे नीचे, तो क्या किया कि स्पीकर को बैक फायरिंग कर दिया। क्योंकि फ्रंट में अगर करेंगे तो जैसे अभी ये टेलीविज़न है तो इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ से टीवी शुरू होता है, जहाँ से मतलब वहीं से स्क्रीन शुरू हो जाती है, तो ऊपर और नीचे और राइट और लेफ्ट चारों तरफ से तो ये स्क्रीन ही स्क्रीन है। तो अब स्पीकर फ्रंट वायरिंग लगाएंगे तो फिर ये होगा कि भाई बॉर्डर बहुत बड़ा है टीवी का। तो अब कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन चाहिए ही था। तो आजकल जितने भी टीवी आ रहे हैं जो इस तरीके के हैं, जिनको कि हम देख सकते हैं कि जो पूरी स्क्रीन जैसे ही दिखते हैं, तो उनमें क्या करते हैं कि नीचे की तरफ या तो स्पीकर लगे होते हैं यहाँ पे लेफ्ट या राइट साइड में, या फिर पीछे बैक साइड में लगे होते हैं जो कि बैक फायर करते हैं वॉल की तरफ। जब फ्रंट फायरिंग लगा होता था तो क्या होता था कि जब स्पीकर सामने है और हमारा कान, स्पीकर से आवाज निकली और हमारे कान तक पहुंची, तो जो स्पीकर से आवाज कानों तक जा रही है उसके बीच में, स्पीकर और कान के बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई बाधा नहीं, कुछ नहीं, तो बढ़िया आवाज सुनाई देती है कि यहां से आवाज निकली स्पीकर से और कानों तक पहुंच गई। तो वो एकदम A1 क्वालिटी की आवाज हमें सुनाई देती थी। अब क्या हो गया कि जो मैंने बताया तो नीचे की तरफ हो गया या पीछे की तरफ हो गया। तो अब यहां क्या दिक्कत आई कि जो साउंड सीधी जानी चाहिए थी वो अब टकरा के जा रही है। तो टकराने जैसे ही साउंड टकराती है, ये समझ लीजिए कि आधी से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज तो वहीं किल हो जाती हैं, वो फिर घूम करके आवाज हमारे पास आती है, सीधी नहीं आती। तो उसको कैसे एनहेंस करें कि वो एक बेटर साउंड हमको हमारे रूम में सुनाई दे, तो वो सारी सेटिंग्स अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये टेलीविजन है, इसमें भी जो स्पीकर्स लगे हुए हैं उनके लिए मैंने भी यहाँ पर फिलहाल माइक लगा दिया कि इधर एक राइट में माइक लगा दिया, एक लेफ्ट में माइक लगा दिया, दोनों तरफ माइक लगा दिए, और हमारे कान भी दो हैं। तो अब जब मैं कोई भी ऑडियो सुनाऊंगा आप लोगों को तो प्ले करके, तो वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो स्टीरियो में होगी, और वही मैं जब आप यूट्यूब पे देखोगे तो वो आपको स्टीरियो में सुनाई देगा। तो बेहतर होगा कि आप लोग हेडफोन पहन लें, जिससे कि एकदम सही आइडिया लग सके कि कितनी अच्छी साउंड ये टेलीविज़न प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें होम थिएटर से जुड़ा कुछ भी नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक TV है और कुछ नहीं है, कोई साउंड बार नहीं है, कोई होम थिएटर सिस्टम नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पीकर अलग से नहीं है, जो है वो टीवी में ही है और बस वही, उसकी सेटिंग कैसे चेंज करें कि बहुत अच्छी आवाज हमें सुनाई दे सके। तो अब मैं चलता हूं टेलीविजन की सेटिंग्स के लिए, टेलीविजन को जरा देख लेते हैं। ये मैंने लाइट लगाई हुई है भैया, जरा थोड़ा चेहरा वेहरा अच्छा दिखाई दे इसलिए अभी ये लाइट ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि टेलीविजन पे ये इतना बड़ा सा बार जैसा दिखाई देता रहेगा तो समझ में नहीं आएगा ढंग से, तो इसको जरा बंद कर लेते हैं। अब ठीक है। अच्छा, अभी जो भी टेलीविजन्स मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि ये एंड्रॉयड टीवी है, तो अगर आपका एंड्रॉयड टीवी है तो सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली हैं, बट कुछ बेसिक सेटिंग्स जो हर टीवी में होती हैं वो भी इसमें होंगी, जो कि मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। तो जो आपके टेलीविजन में सेटिंग्स होंगी वो आप उस तरह से कर सकते हो, और अगर आपका भी एंड्रॉयड टीवी है और सेम इसी तरीके की सेटिंग्स हैं तो वेल एंड गुड, तो बहुत ही बढ़िया है। तो सारा कुछ आप एक जैसा ही कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाने के बाद सेलेक्ट करते हैं साउंड को। तो अब यहां क्या क्या है मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। मैं इसको पहले तो रीसेट कर देता हूं जिससे कि जैसा कि फैक्ट्री डिफॉल्ट जो हम जब हम टीवी लेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो उसको रीसेट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारी ऑडियो सेटिंग्स रीसेट। अब हम बात करते हैं कि साउंड के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें दिख रही है सिस्टम साउंड्स, वो क्या है। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो जब भी मैं कोई भी चीज सेलेक्ट करूंगा या मेन्यू में ऊपर नीचे जाऊंगा तो वहां पर यह टुंग 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 करके आवाज सुनाई देती है। ये मैंने ऑन किया, टंग 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 बजना चालू हो गया। ठीक है, इसको इसीलिए मैं ऑफ रखता हूं कि भाई कुछ भी देख रहे कर रहे हैं तो बीच में टुंग 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 इरिटेट करता है, उसको आप रखना चाहो तो ऑन रख सकते हो। अब चलते हैं साउंड मोड पे। तो वो बाय डिफॉल्ट इस वक्त स्टैंडर्ड पे शो कर रहा है। इसको तब करेंगे जब हम ऑडियो को प्ले करेंगे और तब ये सारी सेटिंग्स को हम चेंज करके देखेंगे। अभी फिलहाल और बाकी की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि ये ऑप्शन है स्पीकर्स, कौन से स्पीकर्स, तो ये टीवी स्पीकर्स पे, यानी कि जो टीवी के अंदर स्पीकर लगे हैं ये इस मोड पे है। अगर इसको हम किसी और एआरसी मोड पे अगर डाल दें तो इसका मतलब ये होगा कि ये मेरे होम थिएटर से कनेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ टीवी के स्पीकर्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए ब्लूटूथ पे भी नहीं रखा है। तो ये हो गया हमारा टीवी स्पीकर और इसके अंदर जो ऑप्शंस आते हैं वो हमने देख लिया। ये ट्रू बेस, तो बेसिकली ट्रू बेस जो होता है इसमें बेस इनहेंस हो जाता है। अभी जैसे कि बेस की बात कर रहा है तो वो एक इनहेंसमेंट एक तरीके का बेस के लिए। यहां क्या होता है सराउंड में थोड़ी सी साउंड की जो वाइडनेस है वो थोड़ी बढ़ जाती है जिससे कि हमको एक अफेक्ट आता है। स्टीरियो में भी दो स्पीकर लगे होते हैं तो स्टीरियो में भी एक अफेक्ट ऐसा क्रिएट होता है कि जैसे कि थोड़ा सा सराउंड साउंड जैसा फील आने लगता है। फिर डायलॉग क्लियरिटी, तो ये कब काम में आती है कि जैसे कि कोई हम फिल्म देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि डॉल्बी कंटेंट है अगर मान लेते हैं फिल्म का तो वो डाउन मिक्स होता है दो चैनल में, तो वहां पर क्या हुआ कि सराउंड साउंड के इफेक्ट्स की वॉल्यूम जो है वो थोड़ी ज्यादा हो गई, तो म्यूजिक का जो लाउडनेस है वो थोड़ा ज्यादा हो गया और वोकल जो हमारा डायलॉग का था वो थोड़ा कम हो गया क्योंकि वो बहुत सॉफ्टली बात कर रहे थे। डाउन मिक्स होने के टाइम पे क्या हुआ, जैसे कि दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं, अच्छा तो ठीक है फिर कल हम लोग कल मिलेंगे, चाय वाय पियेंगे, घूमने जाएंगे, तुम्हारा क्या शेड्यूल है क्या है नहीं, इस तरीके से अगर बात नॉर्मल बात करते तो ऐसे ही बात करते, चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बात करेंगे, अबे यार तेरा क्या शेड्यूल है यार, कल कब चलेगा तू मेरे साथ, इस तरीके से तो कोई बात करता नहीं है नॉर्मल। इस तरीके से फिल्मों में जिस तरीके का जो सॉफ्ट टोन में बात होती है वो सीन अगर चल रहा है तो वहाँ डायलॉग कम हो गए, तो वहाँ पर क्या हो गया बाकी का म्यूजिक और सराउंड साउंड थोड़ा बढ़ गया। वहाँ पर जब हम इसको ऑन पे रखेंगे तो क्या होगा कि जो वोकल है वो इन्हेंस हो जाएगा तो हमको एक अच्छा साउंड सुनाई देगा, क्योंकि म्यूजिक और सराउंड साउंड तो पहले ही जो मिक्स होने के बाद अच्छा सुनाई दे रहा था बट वोकल कम हो गया था, तो वोकल की यहां पर क्लैरिटी बढ़ जाती है इसको ऑन करने से। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, इसे हमें ऑन करके रखना चाहिए जब भी हम अपने टेलीविजन पे कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं। तो अब आ जाते हैं ट्रू वॉल्यूम HD, इसको ऑन रखना है कि नहीं रखना है ये पर्सनल चॉइस के ऊपर है, क्योंकि जो मुझे अगर ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ टीवी के वॉल्यूम पर जो टीवी के स्पीकर्स हैं इन पर अगर जो देखता हूं प्रोग्राम्स और उनको अगर मैं एंजॉय करना चाहता हूं तो मैं ये ऑन करने की बजाय वॉल्यूम लेवल को कम रखता हूं, तो वो मैं जब अभी प्ले करूंगा तो मैं आपको करके बताता हूं तो आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये वॉल माउंट सेटअप ये थोड़ी अजीब सी चीज़ है, ये मेरे को अब तक समझ में नहीं आई है कि ये क्यों दिए, इसको ऑन करो या ऑफ करो आवाज़ एक जैसी ही मुझे सुनाई देती है, या तो ये मेरे टीवी में कोई फॉल्ट है और या फिर हो सकता है कि मैं इस चीज़ को पकड़ ना पा रहा हूँ। तो ये अगर आपके टेलीविज़न में है सेटिंग और आप इसको ऑन करने से कुछ फ़र्क महसूस करते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझको मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना। अब इसके बाद चलते हैं एडवांस सेटिंग्स, ऑडियो टाइप और रीसेट। तो रीसेट का तो मतलब वही जो मैंने सबसे पहले किया, ऑडियो टाइप। यहां पर अभी ये कह रहा है कि ऑडियो टाइप क्या रखना है, तो भैया इसको हम नॉर्मल पे ही रखते हैं और उसके बाद एडवांस सेटिंग्स पे चलते हैं। एडवांस सेटिंग्स मैंने थोड़ा लास्ट के लिए रखा, डिटेल में बताना चाहता हूं, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी डिटेल्ड, जिनको पता होना चाहिए डिटेल के साथ। तो अब चलते हैं बैलेंस। बैलेंस मतलब दो स्पीकर लगे हैं लेफ्ट और राइट, तो वहां पर लेफ्ट की तरफ ज्यादा रखना है या राइट की तरफ ज्यादा रखना है, ये हार्डली कभी यूज में आता है। बहुत कोई प्रोग्राम ऐसा हो सकता है कि आप उसमें सुन रहे हो स्टीरियो साउंड है लेकिन पता चल रहा है स्पीकर के राइट साइड से आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है और लेफ्ट साइड से कम आ रही है, तो तब आप उसको मैन्युअली यहाँ से लेफ्ट की तरफ करेंगे अगर, तो राइट की तरफ का वॉल्यूम कम हो जाएगा और लेफ्ट की तरफ का ज़्यादा सुनाई देने लग जाएगा। तो ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप वैसे कम कर सकते हो, ऐसे जनरली इसको हमको
जीरो पे ही रखना चाहिए। ये बहुत ही रेयरेस्ट रेयर केस में ऐसा होता है कि हमें ये बैलेंस को छेड़ना पड़े। ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल कहाँ ये काम आ सकता है वो बताता हूँ कि जैसे कि अगर हम सैटेलाइट टीवी से कोई प्रोग्राम्स देख रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि किसी चैनल से थोड़ा कम वॉल्यूम सुनाई दे रहा है, दूसरे चैनल से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम सुनाई दे रहा है, तो वहां पर ये चीज जो है हमको काम में आ जाती है। तो अगर सैटेलाइट टीवी से अगर आपको कभी लगता है कि अलग अलग चैनलों से वॉल्यूम थोड़ा कम ज्यादा सुनाई देता है कि किसी चैनल पे कम किसी पे ज्यादा, तो वहां पर ये हम ऑन करके रख सकते हैं उस जगह पे। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस पे आप रख सकते हो कि अगर आपको लगता है आप इसको ऑन करके देखें चलाएं और उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे इसको ऑन रखना है या नहीं रखना है। मैं इसको ऑफ ही करके रखता हूं तो मैं इसे अभी फिलहाल तो ऑफ ही छोड़ देता हूं। अब ये डिजिटल ऑडियो आउट क्या चीज है? अब ये तो भैया हमारे टीवी के अंदर जो स्पीकर लगे हैं ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये सब जो ऑप्शंस हैं ये सब हमारे हैं कि जब हमारे पास कोई होम थिएटर सिस्टम हो या फिर कोई साउंड बार हो जो कि डिजिटली कनेक्ट हो सके इसके साथ एआरसी के थ्रू, तो ये वहाँ पर काम आती हैं चीज़। तो अगर आपके पास है साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम तो इसको हमें ऑटो पे रखना होगा। तो इसको हम ऑटो पे रख करके छोड़ देते हैं। तो अब चलते हैं डिजिटल ऑडियो डिले और लिपसिंग, ये क्या चीज़ें होती हैं? तो लिप सिंग जो कि नाम से समझ में आता है कि लिप का सिंग काय से, ऑडियो से। तो ऑडियो क्या, जैसे कि हम बोल रहा हूं मैं इस वक्त, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि पापा घर आए, तो अभी मैंने इसे पापा बोला तो लिप्स जब आपस में टच हुए तो पा का साउंड आया। अब क्या हो सकता है कि जब हम टीवी देख रहे हो तो हमें ये फील आए कि वर्ड जो बोला है उसका ऑडियो तो हमको पहले सुनाई दे गया, पापा घर आए ऑडियो आया, फिर ऑडियो पहले सुनाई दिया और बाद में हमको वीडियो दिखाई दिया कि भैया ये तो कुछ अलग सा हो गया। तो तब उस कंडीशन में हम यहां से लिप सिंक को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब चलते हैं इक्वलाइजर। ट्रेबल जो बात करते हैं ट्रेबल की फ्रीक्वेंसीज, तो वो 20 किलो हर्ट्ज से नीचे की तरफ अगर जाएं तो वो 5 किलो हर्ट्ज के आसपास तक की ट्रेबल की फ्रीक्वेंसीज रहती हैं। फिर मिड जो फ्रीक्वेंसीज जिन्हें हम बोलते हैं मिड टोन, वो रहती हैं हमारी 5 किलो हर्ट्ज से लेकर के 500 हर्ट्ज के बीच में। फिर 500 हर्ट्ज से लेकर के नीचे 120 और जितनी भी लो है उनको बेस में हम काउंट करते हैं। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि आप जब अपना टीवी को देख रहे हो और आपको जिस तरीके का पसंद आता हो ये उस तरीके से उस हिसाब से आप इसको अप डाउन कर सकते हो। अगर जैसे कि आप कुछ देखते हो प्रोग्राम आपको लगता है वोकल थोड़ा कम सुनाई देता है तो आप इसको थोड़ा बढ़ा लो। तो अब जैसे कि अगर मैंने ये सेटिंग सपोज रखी तो इसमें क्या होगा, वोकल भी अच्छा सुनाई देगा, ट्रेबल भी अच्छी सुनाई देगी, बट बेस हमारा लिमिटेड रहेगा। अच्छा, आप टीवी के जो छोटे स्पीकर्स होते हैं इनमें बेस हमको थोड़ा लिमिटेड ही रखना चाहिए, तो वो ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि जरा सा भी कोई कहीं पर जैसे कि बम पटाखा कुछ फटा फिल्म में भूम, तो स्पीकर ही अचानक से खरखर खरखर चीज़ें आवाज़ करने लगेंगे और थोड़े टाइम बाद स्पीकर ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह से हमको बहुत ज़्यादा बेस बूस्ट नहीं करना चाहिए और नॉर्मल ही रखना चाहिए बेस को। ये आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसीज को लेके जा सकते हैं ऊपर। तो अब इसको हम कर देते हैं ज़ीरो पे, मैं ज़ीरो पे रखता हूँ, आप इसको अपनी पर्सनल लगे के हिसाब से अगर रखना चाहो तो आप रख सकते हो। अब यहाँ से बाहर आते हैं हेडफोन मोड। अब जब हम हेडफोन लगाएंगे तो ये सब सेटिंग्स वहाँ पे आप हम चेंज करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ जो इसके स्पीकर्स हैं टेलीविज़न के जो आउटपुट आता है उसकी अनाउंसमेंट और उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से अभी हम बाहर आ जाते हैं। तो ये तो हो गई ज्ञान की बातें, अब भैया प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं कि आवाज़ सुनाई कैसी दे रही है। लाइट तो मैंने बहुत देर पहले बंद कर दी थी और सुनाने जा रहा था तभी, लेकिन ये सब चीज़ें में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। वेल एनीवेज, तो चलिए अब चलते हैं यूट्यूब पर, चलाते हैं कोई म्यूज़िक वीडियो। मैं अपना ही चला लेता हूँ। तो जैसे ही हमने थिएटर पे डाला ऑडियो काफी इनहेंस हो गया, काफी अच्छा सुनाई देने लगा, बहुत बढ़िया आवाज सुनाई दे रही थी। बाबा दो कौड़ी की चाय पी ही कहाँ है अभी, चलिए चाय मैं पिलाता हूँ।
बेटा वाह, चाय हो तो दो कौड़ी की, वरना ना हो, वरना ना हो, वरना ना हो। चाय नहीं पीती। मैम आपके लिए दो कौड़ी की चाय नहीं, दो कौड़ी की मोहब्बत पेश कर, साथ में कड़क आसी की चाय, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अरे मैं आपको भैया भैया बोल रही हूँ, आप हम पर लाइन मारे जा रहे हैं। अरे मैडम जी, हमारे यहाँ के मशहूर चाय का नाम है दो कौड़ी की मोहब्बत और कड़क आसी की चाय। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर सारे साउंड मोड्स चेंज किए थे, तो जो स्टैंडर्ड था तो वहाँ पर जो बेस ट्रेबल सब कुछ जो जैसा ठीक ठाक सुनाई देना चाहिए जो नॉर्मल टेलीविज़न पे हमारे वो सुनाई दे रहा था, जब हमने थिएटर मोड पे किया तो वहाँ पर काफ़ी इन्हेंसमेंट हो गया, वोकल का भी इन्हेंसमेंट हो गया और ट्रेबल भी थोड़ी सी अच्छी सुनाई देने लगी और वाइडर थोड़ी सी आवाज़ हो गई, मतलब थोड़ा हल्का सा सराउंड का सा फील आने लगा। तो मतलब जो स्टीरियो में साउंड आ रही थी वो थोड़ा ऐसा लग रहा था और ज़्यादा स्टीरियो हो गई हल्की सी। तो वहाँ पर ये थिएटर मोड मुझे जो पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये लगा। तो मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप अपने टेलीविज़न को अगर आपके पास ये सेम सेटिंग्स हैं तो यहाँ पर थिएटर मोड पर रखें। फिर अब हम जो स्पोर्ट्स पर जब हम गए थे तो वहाँ पर स्पीच थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर हो गई थी और बाकी के थोड़े से बेस और ट्रेबल थोड़ा कम हो गया था। म्यूज़िक मोड पर स्पीच कम हो गई थी और म्यूज़िक थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर तरीके से सुनाई दे जिस लिए इसलिए स्पीच थोड़ी सी कम हो गई थी। अब स्पीच में क्या था, जो वोकल थे वो अच्छे सुनाई दें इसलिए गया, वो बाकी सब कुछ दब गया ना, म्यूज़िक सुनाई दे रहा था ढंग से, ना ही कुछ बेस सुनाई दे रहा, ना ट्रेबल सुनाई दे रहा, स्पीच भी जो थी उतनी प्रॉपर लाउड नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, तो वो काफ़ी कम सब कुछ हो गया था। फिर लेट नाइट पे तो फिर ये है कि वो एक तरीके से इस तरीके की वाइडर टोन थोड़ी ज़्यादा थी, जैसे कि थिएटर को ही अगर एक वॉल्यूम कम कर दें एक तरीके से तो वो कैसा सुनाई देगा, वो लगभग ऐसा ही कुछ फील था इसमें लेट नाइट में। तो ये सेटिंग्स में मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा वो थिएटर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस पर हम रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इन साउंड मोड्स के बारे में। जो इस टीवी पे आपके टीवी पे कुछ और डिफरेंट साउंड करेंगे, वहाँ पर थिएटर की जगह सिनेमा या कुछ और लिखा हो सकता है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ जो ये थे ट्रू बेस और ये सब इन्हें ऑन ऑफ करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। वाह बेटा वाह, चाय हो तो दो कौड़ी की, वरना ना हो, वरना ना हो, वरना ना हो। मैं तो दो कौड़ी की चाय नहीं पीती हूँ। मैम आपके लिए दो कौड़ी की चाय नहीं, दो कौड़ी मोहब्बत पेश कर, साथ में कड़क आसी की चाय, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अरे मैं आपको भैया भैया बोल रही हूँ, आप हम पर लाइन जा रहे हैं। अरे मैडम जी, हमारे यहाँ सुपर स्पेशल चाय का नाम है दो कौड़ी की मोहब्बत और कड़क आसी की चाय। भैया तो आपसे भैया जरा 2 घंटा आप लगा ला। भैया आप लोग बैठे, अभी लगा देते हैं 2 घंटा मीठे तड़के के साथ। क्या हुआ यार, इतना कैसे क्या देख रहे हो बे? अबे यार काहे घंटा आप लगवा रहे हो बे? अरे भैया घबरा कहाँ रहे हैं, ये कनपुरिया स्पेशल कंटाप चाय है नींबू मार के। अब भाई तुम्हारी चाय का तो बड़ा ही मौका है। तो जैसा कि अभी हमने सब कुछ सुने कि एक 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 मोड में, तो क्या मैंने क्या फील किया वो मैं बताता हूँ। ट्रू बेस इसको जब हमने ऑन किया तो यहाँ पर बेस तो इन्हेंस हुआ ही हुआ, साथ में मिड और थोड़ी हाई फ्रिक्वेंसीज भी बढ़ गई, लेकिन जो बेस था
वो बहुत ज़्यादा लो जो होता है अपना, जो मैंने बताया था कि जो 120 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी होती है 80 60 वो सब नहीं, बट हाँ ये मान के चलते हैं कि 200 से 200 के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज रही होंगी वो अच्छी खासी बूस्ट हो गई, जिस वजह से मुझे ये लगा कि ये एक अच्छी चीज़ है इसको ऑन रखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा फिर जब ट्रू सराउंड को हमने चेक किया सोलो, मतलब जब ये बंद किया और ये चालू किया, तो इसमें मैंने पाया कि जो स्टीरियो का जो वाइडनेस है, तो जैसे कि स्टीरियो साउंड में लेफ्ट और राइट में जो वाइडनेस है, जैसे लेफ्ट से आवाज़ आ रही थी जो, और जो राइट से आ रही थी वो, अगर यहाँ पे आ रही थी तो अब मुझे वो यहाँ सुनाई दे रही थी, तो मतलब थोड़ा वाइडनेस बढ़ गई बेसिकली वो सुनने में, और थोड़ा सा सराउंड जैसा अफेक्ट देने लग गया। तो ये भी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हमें ऑन रखना चाहिए। डायलॉग क्लियरिटी बिल्कुल वही था जैसा कि मैंने बताया था कि जब कोई बात चल रही है, सीन है जहाँ पर कि बातचीत हो रही है, तो वहाँ पर डायलॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस हो गए थे। तो अगर इन तीनों को भी साथ में ऑन करके रखा तो एक अच्छा बैलेंस्ड साउंड हमको सुनाई दे रहा था, तो ये हम सेटिंग करके रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी ट्रू वॉल्यूम एचडी का काम क्या है कि जो मैंने बताया था कि इसको जैसे ही मैंने ऑन किया तो वो सारा का सारा जो वॉल्यूम था वो पूरा एक बैलेंस लेवल पे नीचे चला गया, जिसका कि जो मोटा मोटा मतलब जो मेरी समझ में आया वो यही है कि अगर इसको अगर हम वॉल्यूम को ये ऑफ रखेंगे और जब 50% से ऊपर धीरे धीरे जाएंगे 60% पे 90 100, तो मैं ये इस मोड पे मैं चला के सुनाना भी नहीं चाहूँगा, मेरे स्पीकर्स ख़राब हो सकते हैं टेलीविज़न के, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि इतने इन्हेंसमेंट हमने कर दिए, तो और वॉल्यूम को बढ़ा रहा, तो स्पीकर तो अपना जितनी उसकी क्षमता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतना ही करेगा, तो लो वॉल्यूम पर तो वो बहुत अच्छा सुनाई देगा, लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे स्पीकर, क्योंकि वो झेल नहीं पाएगा और वो फिर फटी हुई आवाज़ सुनाई देने लगेगी हमको, और एक टाइम के बाद हमारा स्पीकर भी ख़राब हो सकता है, तो इसलिए वो ट्रू वॉल्यूम एचडी ऑन रखने से वो थोड़ा सा वॉल्यूम बैलेंस्ड रहता है, तो वो एक अच्छा फीचर है, रखना चाहे तो रख सकते हैं, बट मेरी समझ से ये तीनों को ऑन रखना चाहिए हमको। ऑन रखने के बाद वॉल्यूम को जो है हम कभी भी 70 या 75 से ऊपर ना लेके जाएं, 80 भी ना टच करें, इनफैक्ट कहूँगा 70 से भी ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जब हम सुनेंगे अपने कानों से तो हमें भी आइडिया लग जाएगा यार बहुत वॉल्यूम हो रहा है अभी इसको कम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, और वॉल्यूम लेवल मैंने आपको, वॉल्यूम लेवल से मेरे को ध्यान आया कि मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि हमारे कानों को कितना वॉल्यूम हमें सुनना चाहिए, मतलब स्पीकर हो चाहे वो स्टीरियो सिस्टम हो, मोबाइल फ़ोन हो, या कोई भी ऑडियो डिवाइस जहाँ से स्पीकर लगा हो वहाँ से एक ऑडियो आउटपुट आता हो, तो वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए कि वो हमारे कानों तक जाए और वो हमको हमारी बॉडी को हार्म ना करे और हम एक बहुत बेहतरीन साउंड का जो क्वालिटी का आनंद ले सकें। क्योंकि हम लोग बहुत जब कोई बाज़ार में कोई ऑडियो की डिवाइस खरीदने जाते हैं, हम सबसे पहले वहाँ जा करके ये बात करने लगते हैं कि भैया कितने वाट का है, तो सामने वाला उसको बता देता है कि भैया ये तो 1000 वाट का है या 500 वाट का है या जितने भी वाट का होता है वो चीज़ बताता, तो आदमी उससे अंदाज़ा लगाता है आदमी कि हाँ अच्छा 1000 वाट का है ये अच्छा होगा, 500 वाला है, अरे यार ये 500 ही वाट है। तो वो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको पता ही नहीं है कि ये वाट्स कम ज़्यादा होने से साउंड क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है, साउंड क्वालिटी का बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लेना देना नहीं, ऑब्वियसली है लेना देना, लेकिन सिर्फ वाट्स से लेना देना नहीं है। तो जब भी हम टेलीविज़न लेने जाते हैं तो उस पर अगर हम ये देख रहे हैं कि इसमें कितने वाट का स्पीकर लगा है, 20 वाट का लगा है ये बेकार है, 40 वाट का लगा हाँ ये बढ़िया है, ऐसा नहीं है। अब आप ये आवाज़ सुन रहे थे, मैंने तो बताया ही नहीं इसमें कितने वाट के स्पीकर लगे हैं या क्या है, तो अगर मैं पहले ही वो बता देता ना तो एक माइंड में ना हम सब बेसिकली इंडिया में बहुत ज़्यादा, इंडिया में क्या वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा कि लोगों को ये चीज़ ऐसी लगती है कि जितना वाट उतना अच्छा ऑडियो, ऐसा नहीं है। अब अगर मैं पहले ये बोल देता कि इसमें फलाना वाट के स्पीकर लगे हैं तो क्या होता, आपका माइंड सेट हो जा रहा है यार मैंने तो वहाँ टीवी देखा था उस पर तो 40-50 वाट का, तो आप को मेरा वीडियो ही स्किप कर देते कि यार ये 20 वाट के स्पीकर में क्या ही मज़ा आएगा, छोड़ो कुछ और देखते। तो वॉटेज के बारे में और कि इम्पिडेंस क्या होती है और सब डेसिबल वेसिबल सब जितनी भी चीज़ें हैं कि जो जब हम एक कोई स्पीकर या कोई साउंड सिस्टम खरीदने जाते हैं तो उसमें क्या क्या ये सब चीज़ें दी होती हैं, ये क्या होता है, उसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो मैं अभी एक बनाने वाला हूँ, वो भी आप लोग देखेंगे बहुत जल्दी, तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी यहाँ पर ऑडियो ओनली लिखा है तो ये क्या है, ये क्या करेगा, टीवी स्क्रीन ऑफ कर देगा और हमारा सिर्फ जो ऑडियो बज रहा होगा वो हमको सुनाई देगा, करके भी दिखा देता हूँ। अभी ये ऑडियो आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, मान लीजिए गाना है हम सुनना चाहते हैं, हमको वीडियो नहीं देखना,
तो फिलहाल ये हो गया पिक्चर की सेटिंग्स के ऊपर। मैंने एक और वीडियो, पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया टेलीविजन, अगर आपने लिया है तो वो किस तरह से उसकी बेस्ट पिक्चर आपको दिखाई दे उस टेलीविजन में से। अब इतना खर्चा करके टेलीविजन लेते हैं और जैसा आता है बाय डिफॉल्ट उसमें बस अपना कुछ भी लगाया चला के देख लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। मैं एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया है कि क्या क्या चीज़ें, उसमें पूरी हिस्ट्री भी डाली है मैंने कि कैसे कि टेलीविज़न पहले कैसे टेलीविज़न आते थे और उनमें क्या फीचर्स होते थे और वो अब तक क्यों कंटिन्यू किए गए हैं, फिर क्या आजकल के नए टेलीविज़न्स में हमें क्या चीज़ें ऑन करनी चाहिए क्या ऑफ करनी चाहिए, जैसे कि ऑडियो में मैंने बताया, तो वैसे ही उसके बारे में एक बाकायदा बहुत बढ़िया वीडियो अगर आपको लगे तो उसमें भी मेरे को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वो वीडियो ज़रूर देखिए आप, मतलब उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इधर साइड में कहीं आ भी जाएगा, वो आप देख लेना, ज़रूर देखिए। मैं खुद ही अच्छा बोल रहा हूँ कि मुझे ही वो खुद वीडियो देख देख के बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने कोई बड़ी अच्छी चीज़ बना दी है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर उसको देख करके कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो ये पिक्चर के बारे में वो हो गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और इसी तरह से अपना प्यार मेरे को देते रहें आप लोग, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहें कि आप लोगों को और क्या चाहिए जानकारी, क्या आप लोगों को अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, सब लिखिए, सब कुछ बताइए और सलाह दीजिए मुझे कि मुझे और क्या करना चाहिए और किस तरह से आप लोगों तक मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ें पहुंचा सकूं। कोई क्वेश्चंस हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं, तो वो ज़रूर मुझे बताएं आप लोग। और अब इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।